नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू, दो पालियों में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। पहली पाली में सुबह 8 बजे से 11:15 तक पेपर होगा और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक पेपर होगा। 50 लाख से भी ज्यादा छात्र छात्राएं एग्जाम दे रही है। राज्य भर में 8,373 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी भी हो रही है। राज्य भर में 861 परीक्षा केंद्र है संवेदनशील। राज्य भर में 254 परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील है। उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं राज्य भर में। इस बार 50 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं। छात्रों की बड़ी संख्या को देखते हुए राज्य भर के 75 जिलों में कुल 8,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से सरकार ने 861 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया है, 254 परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील और 7,258 परीक्षा केंद्रों को सामान्य घोषित किया गया है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं दो पालियों में हो रही हैं। पहली पाली में 8 से 11 बजे तक परीक्षा है, जबकि दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा है। परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी भी हो रही है। तो दो शिफ्ट में परीक्षाएं हो रही हैं। पहली शिफ्ट में अगर देखें तो 8 बजे से 11 बजे तक और उसके बाद दूसरी शिफ्ट 11 बजे के बाद है। कुल 8,373 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं राज्य भर में। परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो आज परीक्षा देंगे। इसको देखते हुए राज्य भर में 254 परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। तो आज तमाम जो छात्र छात्राएं हैं यूपी बोर्ड की परीक्षा देंगे और इसको देखते हुए तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। अश्विनी द्विवेदी लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और चित्रकूट से सोहन लाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अश्विनी, परीक्षा दो शिफ्ट में होंगी, 8 बजे से एक शिफ्ट की शुरुआत हो चुकी है और दूसरी शिफ्ट जो है वो 11 बजे के बाद से शुरू होगी। क्या तैयारियां हैं? हालांकि यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर योगी आदित्यनाथ ने ये पहले ही निर्देश दिया था कि कोई ढिलाई नहीं, निगरानी सख्त होगी। बिल्कुल, जब 2017 में योगी सरकार बनी थी तो उस दौरान देखा गया था योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दिया था कि जो परीक्षाएं होंगी वो सुदृढ़ तरीके से होंगी, नकलविहीन परीक्षाएं होंगी, किसी भी तरह की जो नकल माफिया थे वो हावी नहीं होने पाएंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने काम किया, जिसके परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में आज की स्थिति है कि नकलविहीन परीक्षा कराने में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो सफल रहा। अगर बात करें इस बार की, जो इस बार परीक्षा हो रही, पिछले लगभग 2 सालों का अगर अंतराल देखें तो परीक्षाएं नियत समय से नहीं हो पा रही थी, लेकिन इस बार अपने नियत समय से परीक्षाएं हो रही थी। हालांकि चुनाव था, उस चुनाव के तुरंत बाद से परीक्षाएं शुरू कर दी गई। निश्चित तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में 52 लाख के लगभग जो परीक्षार्थी हैं, जो इंटर और हाई स्कूल के परीक्षार्थी होंगे वो परीक्षा में शामिल होंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 8,000 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर परीक्षाएं कराई जाएंगी। निश्चित तौर पर 1,000 केंद्र ऐसे चिन्हित किए गए उत्तर प्रदेश के अंदर हैं जहां पर परीक्षार्थियों को पहुंचने में समस्याएं होती थी, जहां दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में ये केंद्र थे, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग और जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है उसने एक समन्वय बैठा ला और बसों का इंतजाम किया गया, रोडवेज बसें लगाई गई जो परीक्षार्थी थे उनको उस स्थान तक पहुंचाने के लिए। निश्चित तौर पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लगातार पिछले 5 सालों की बात करें, 5 सालों में नकल को रोकने के लिए एक विशेष कार्यक्रम अभियान चलाया गया उत्तर प्रदेश सरकार की ओर, जिसका परिणाम यह था कि उत्तर प्रदेश के तमाम जो सेंटर्स बनाए गए उत्तर प्रदेश के अंदर हैं जहां परीक्षाएं होनी है वहां बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं परीक्षा केंद्र के अंदर, जिसकी मॉनिटरिंग लखनऊ है जो निदेशालय माध्यमिक शिक्षा का वहां से की जा रही। कल जो कंट्रोल रूम बनाया गया, राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया था, उसका उद्घाटन जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने किया था यहां पर और साथ ही साथ पूरी मॉनिटरिंग सिस्टम किस तरह से काम करेगा इसकी अपडेट ली थी, किस तरह से परीक्षा केंद्रों पर जो नकलविहीन परीक्षा का जो संकल्प लिया गया उसको पूरा किया जाए, इसके लिए
निश्चित तौर बता दूं आपको, जो राष्ट्रीय कंट्रोल रूम बनाया गया वहाँ पर तमाम सेक्टर्स में बांटा गया, उसको है जो मंडलवार तरीके से बांटा गया, उस मंडल में जो जिले आते हैं उनका अलग सिस्टम बनाया गया और एक एक जो एक जो कंप्यूटर स्क्रीन होगी, लगभग वहाँ 100 कॉलेजेस होंगे जिनकी निगरानी का जिम्मेदारी दी गई है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएँ होना है उसको लेकर के 2 पालियों में होनी है, तमाम अन्य व्यवस्थाएँ की गई हैं, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया वो नकल परीक्षा के, क्योंकि लगातार सरकार जो उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार थी वो आरोप लगाती थी कि पिछली सरकारों में नकल करा करके जो माफिया थे, नकल माफिया, वो काफी आवे थे। तमाम ऐसे जिले थे जहां पर इस तरह की बातें होती, जहां हरदोई के नाम ले गोंडा लीजिए, तमाम ऐसी जगह थे जहां पर एक तरीके से नकल माफिया बहुत ज्यादा हावी थे। उनको तोड़ा गया, उनके सिंडिकेट को तोड़ा गया और अब की स्थिति है कि नकल माफियाओं को परीक्षाओं से दूर रखा जा रहा है, बाकायदा जो एग्जाम सेंटर्स हैं उनको हाई सिक्योरिटी जोन में तरीके से तब्दील किया गया। पहले जो थी सिक्योरिटी नॉर्मल रहती थी, लेकिन अब की सिक्योरिटी की बात करें तो हाई लेवल सिक्योरिटी है। 500 मीटर के इर्द गिर्द कोई भी जिसका मतलब नहीं परीक्षाओं से वो नहीं टहल सकता है, उसको दूर रहने के लिए, और जो 100 मीटर का घेरा बनाया गया है परीक्षा केंद्रों के आसपास का, वहां पर किसी का भी जाना वर्जित है। केवल जो स्टाफ होगा वहां का, इसको जहां परीक्षा केंद्र का वो, इसके अलावा जो परीक्षार्थी होंगे चाहे उनके परिजन हो, उनको भी आने जाने पर मनाही होगी। निश्चित तौर पर इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग था, उसने काफी लंबे समय तक काम किया और इसका परिणाम यह है कि नकलविहीन परीक्षा कराने में सफल हो रहे जी। सोहन लाल भी चित्रकूट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोहन लाल, आज यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और इंतजाम बहुत ही ज्यादा कड़े इस बार किए गए हैं, निगरानी सीसीटीवी से रखी जा रही है, वहां इस वक्त चित्रकूट में कैसे इंतजाम है? जी आपको बता दूं कि जिस तरह से कुमार उपला ने नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए कमर कस ली है और सुबह 7:30 बजे से ही सेंटर जा करके जो है पूरी तरह से रेकी कर रहे हैं, बकायदा वहां का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दूं कि चित्रकूट में जो है 43 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, लगभग 2500 विद्यार्थी जो है परीक्षाएं देंगे, दोनों पालियों पर परीक्षाएं होंगी और खासतौर पर जिस तरह से नकल विहीन परीक्षाओं के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र में जो है वॉइस रिकॉर्डिंग वीडियो कैमरा लगाए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से जो है पुलिस बल तैनात, किसी भी प्रकार से जो है कोई समस्या ना हो, यानी किसी भी प्रकार से जो परीक्षा केंद्र के आसपास लोग भटकते नहीं दिखाई दे, नकल ना हो, इसके को देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने जो है सारे पुख्ता इंतजाम किए हैं कि कोई परिंदा पर नहीं मार पाएगा और बिल्कुल शांतिपूर्वक परीक्षा होगी, नकल नहीं होगी। इन सबको देखते हुए जिलाधिकारी सुब्रांत कुमार शुक्ला लगातार जो है सेंटरों पर जा करके निरीक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल सोहन लाल, चलिए ठीक है, ये तो चित्रकूट के इंतजाम हो गए। हमारे साथ मनोज भी जुड़े हैं सहारनपुर से। मनोज, सहारनपुर में छात्र छात्राओं के परीक्षा के लिए कैसी व्यवस्था की गई है? नकल विहीन परीक्षा कराना देश है, उसके लिए पूरी तरह से जिला प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सुबह से ही जिलाधिकारी आलोक सिंह और SSP आकाश तोमर कई परीक्षा केंद्रों पर जा रहे हैं, देख रहे हैं व्यवस्थाओं को। मेरे पीछे जो है गंस इंटर कॉलेज है लड़कियों का, जिस पर परीक्षा अंदर चल रही है और बाहर व्यवस्था के लिए पुलिस की लगाई गई है। ऊपर में करीब 101 परीक्षा केंद्रों पर 67,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और नकल ना हो इसके लिए स्टडी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और जो फ्लाइंग दस्ता है वो भी लगातार हर केंद्र पर पहुंचकर चेकिंग कर रहा है, गेट पर चेकिंग हुई है, अंदर भी डायरेक्ट चेकिंग की जा रही है ताकि कोई भी बच्चा नकल लेकर अंदर ना प्रवेश कर सके। जी बिल्कुल, कोई भी नकल ना कर सके इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुशीनगर से DK यादव हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। DK यादव, कुशीनगर में क्या तैयारियां की गई हैं एग्जाम्स को लेकर? जी देखिए, शिक्षा परिषद के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा आज अभी सुबह के 8 बजे से शुरू हुई है, जो 2 पालियों में चलेगी। हालांकि दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी और इस समय जो हाई स्कूल की परीक्षा चल रही है, कुशीनगर जनपद में कुल जो है कि 172 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें इस समय जो सुबह वाली पाली है प्रथम पाली में 172 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हो रही है, जबकि दूसरे पाली में 171 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। मैं आपको बता दूं कि कुशीनगर में कुल हाई स्कूल की 61,801 और इंटर के 44,755 परीक्षा देंगे,
ताकि यहाँ पे 6 सेक्टर में पूरे पूरे का जनपद को भाग दिया गया है और यहाँ पे 6 सेक्टर में स्टेशन आए गए हैं। इसकी निगरानी के खुद जो है करेंगे और आप अगर करिए हालांकि मैं सुरक्षा व्यवस्था की बात करूँ तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे पीछे यहाँ जो है की बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हम इस समय मौजूद है बलिया और पूना इंटर कॉलेज में, जहाँ शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षाएं चल रही है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी पुरुष और महिला दोनों सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए और समय समय पर जो अश्विनी, इस बार 50 लाख जो बच्चे हैं वो एग्जाम दे रहे हैं पूरे देश भर में और ऐसे में का संख्या काफी ज्यादा है। कोरोना को भी ध्यान में रखना है, हम भूल नहीं सकते कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं उनको भी फॉलो करना है। ऐसे में दो शिफ्ट में एग्जाम्स जो हो रहे हैं उनको सफल बनाने के लिए लखनऊ में फिलहाल कितना क्या क्या गाइडलाइंस बच्चों के लिए बनाए गए हैं? बिल्कुल, जो गाइडलाइन सरकार की ओर से पहले से जारी की गई थी कि कहीं पर भी कोई भी जब जहां पर भीड़ इकट्ठा होती है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाएगा, साथ से हेल्प डेस्क बनाई जाएगी वहां पर, जो सीधे तौर पर जब प्रवेश करेंगे बच्चे वहां पर स्टूडेंट्स परीक्षा देने के लिए तो बाकायदा उनका टेम्परेचर से लेकर के तमाम जो जानकारियाँ होती हैं उनसे जुटाई जाएंगी। इसके अलावा अगर बात करें तो हेल्प डेस्क जो होगी वहाँ पर अगर कोई समस्या होती है किसी छात्र को तो तत्काल संपर्क कर सकता। निश्चित तौर पर लखनऊ की बात करें या पूरे उत्तर प्रदेश बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक ही गाइडलाइन जारी की गई जिसमें जो कहा गया है कि जो भी कोविड प्रोटोकॉल होता है वो हर हाल में पालन कराया जाए। आपको बता दें पिछले साल जो सेंटर्स थे वो 6,500 के लगभग में बनाए गए थे, लेकिन इस बार वही सेंटर्स 8,000 के लगभग बनाए गए जबकि जो परीक्षार्थी थे लगभग एक ही समान थे। इसी के चलते कोविड के चलते कहीं ना कहीं इस बार लगभग 1,500 सेंटर्स जो है बढ़ाए गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कोविड का जो प्रकोप है अभी टला नहीं है। हालांकि हल्का हुआ है, उसका प्रकोप कम हुआ है लेकिन अभी टला नहीं, इसको लेकर के भी सरकार पहले सतर्क है और मुख्यमंत्री ने पहले ही निर्देशित किया था जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है कि जो सेंटर्स बनेंगे वहां पर स्पेस होना चाहिए, स्पेस ज्यादा होना चाहिए और जो बच्चे बैठेंगे उनके बीच का जो गैप होना है उसको विशेष ध्यान रखा जाए। तमाम जगह पहले देखा गया कि एक सीट होती थी कम जगह में तीन तीन बच्चों को बैठा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर स्पेस का विशेष ध्यान रखा गया, एक पैरामीटर फिक्स किया गया है कि इतने अंतराल में ही दूसरा बच्चा रहेगा और जो एक दूसरे के संपर्क में ना आए। साथ ही साथ सैनिटाइजर जैसे और मास्क जैसे जरूरी चीजें हैं उनको लेकर विशेष ध्यान गया कि वो जो केंद्र होगा व्यवस्थापक केंद्र व्यवस्थापक होगा वो व्यवस्था करेगा, साथ ही साथ बच्चे जो एग्जाम देने आएंगे उनकी भी जिम्मेदारी होगी। तमाम तरह की गाइडलाइन थी उसका पालन कराया जा रहा है। जी, जो कोरोना के गाइडलाइंस है उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। सोहन लाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। सोहन लाल, बच्चों को गाइडलाइन फॉलो करवाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाया गया है? जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी जो है चित्रकूट में कोरोना जो है बिल्कुल जीरो का रहा है, एक भी पेशेंट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कोविड के नियमों को देखते हुए जिलाधिकारी सुभाष कुमार शुक्ला ने सख्त आदेश दिए हैं कि किसी भी परीक्षा केंद्र में जो है एग्जाम से पहले बच्चों को सैनिटाइज किया जाए, बाकायदा जो है मास्क लगाया जाए और जो परीक्षा में केंद्रों में जो परीक्षा कक्षों में बैठने की व्यवस्था है तो बाकायदा डिस्टेंस हो, दूरी हो और कोई भी बच्चा एक दूसरे इसको टच ना करे और जो है जाते समय भी कोविड के नियमों का पालन हो, बाकायदा मास्क लगाए हो, सैनिटाइजर की व्यवस्था हो और 2 गज की दूरी हो। यही परीक्षा केंद्रों के अंदर भी है कि दूर से जो है बच्चे उनके एक बेंच के बाद दूसरी बेंच पर एक स्टूडेंट बैठेगा, यानी पूरी तरह से कोविड के नियमों का पालन किया जा रहा है और बच्चे कोविड के नियमों के तहत अपना एग्जाम दे रहे हैं। चलिए ठीक है, सोहन लाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। डीके यादव आपका भी बहुत शुक्रिया। अश्विनी आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो योगी आदित्यनाथ के शपथ को लेकर तैयारियां तेज हैं। प्रदेश के हर जिले में प्रसारित होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। 25 मार्च यानी कि कल शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी एमएलए रमापति शास्त्री 26 मार्च को प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे। तो प्रदेश के हर जिले में प्रसारित होगा शपथ ग्रहण। 25 मार्च शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी एमएलए रमापति शास्त्री 26 मार्च को प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे। योगी आदित्यनाथ के शपथ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इकाना स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और कल इकाना स्टेडियम में ही लेंगे शपथ योगी आदित्यनाथ। कई बड़े बड़े वीवीआईपी नेता पहुंचेंगे शपथ ग्रहण समारोह में। तो रमापति शास्त्री भी
प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ लेंगे, लेकिन 26 मार्च को वो लेंगे शपथ। तो बीजेपी एमएलए रमापति शास्त्री 26 मार्च को प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे। योगी आदित्यनाथ की शपथ को लेकर तैयारियां जोरों पर है और अंतिम रूप में है बस तैयारियां, और इसके साथ ही लोगों के बैठने की भी जबरदस्त व्यवस्था की गई है। अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अश्विनी देखिए, इस पल को बहुत ही ज्यादा खास बनाने की कोशिश बीजेपी की है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक लंबा वक्त लिया गया है, कहां 10 मार्च को परिणाम आए और अब 25 मार्च को शपथ ग्रहण हो रहा है, और इस खास दिन में तमाम बड़े बड़े दिग्गज भी नजर आएंगे। इकाना स्टेडियम में तैयारियां किस लेवल तक पहुंची हैं, कितना बाकी है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी है जो इस शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बनाना चाहती है, और बनाए भी क्यों ना, क्योंकि 37 साल के बाद इतिहास दोहराया गया है। 37 साल के बाद कोई जो पार्टी है दोबारा सत्ता में आए, 37 साल के बाद कोई मुख्यमंत्री जो दोबारा शपथ ले रहा है, निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक पल भारतीय जनता पार्टी के लिए है। हालांकि चुनाव के दौरान तमाम तरह की बातें हुई कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमजोर हो गई है या अवध में कमजोर हो गई, लेकिन जब वोटर्स ने वोट डाला, जब परिणाम आए, तो सब चौंक गए। हालांकि नुकसान तो हुआ भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन जितनी उम्मीद लगा रहे थे तमाम विपक्षी दल, उतना नुकसान करने में सक्षम नहीं रहे, और सफलता भारतीय जनता पार्टी को ही आखिरी मिले। निश्चित तौर पर बहुमत उसकी खुद का बहुमत है, साथ ही साथ सहयोगी दल है उनका भी बहुमत है, और ये जो पल है, कल का पल यानी 25 दिसंबर का पल, वो ऐतिहासिक होने जा रहा है। एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लेने करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम वीवीआईपीस का आना है होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होगी, गृह मंत्री अमित शाह होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, नितिन गडकरी होंगे, तमाम जो भाजपा शासित प्रदेश है वहां के मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि विपक्ष के नेताओं को भी जो है निमंत्रण दिया जाएगा, लेकिन वो आते हैं या नहीं आते हैं ये कहना मुश्किल। हालांकि जो पहला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह, उसमें तमाम विपक्षी नेता थे, जिसमें मुलायम सिंह यादव भी शामिल हुए थे। निश्चित तौर पर एक बार फिर इन तमाम बड़े नेताओं को जो निमंत्रण दिया गया, आमंत्रण दिया गया, अब कितने लोग आते हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने पहले इनकार कर दिया कि ना तो मुझे निमंत्रण मिला है और ना ही मैं जाऊंगा। वही जयंत चौधरी ने भी ऐसा ही कहा कि मैं नहीं जा रहा शपथ ग्रहण समारोह में। अगर बात करें शपथ ग्रहण समारोह की, तो वहां पर लगभग 70,000 के करीब लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के ये जो कार्यकर्ता हैं तमाम जिलों में शक्ति बूथों से, वहां से उनको लाया जाएगा, बाकायदा उनके लिए आने जाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है। अगर बात करें जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो कई वीवीआईपीस कैटेगरी में वहां के जो स्टेडियम उसको बांटा गया, जहां एक वीआईपी जहां पर तमाम जो मंत्रीगण होंगे, जो पूर्व मंत्री है उनको अलग बैठने की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ विधायकों के लिए अलग व्यवस्था की गई है, और जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए उनको लिए अलग की गई है, और आम जो लोग बुलाए गए हैं जो तमाम क्षेत्रों से हैं उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की अगर बात करें, सुरक्षा को लेकर के तमाम बड़ी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। एसपीजी लखनऊ ने पिछले 4 दिनों से मौजूद है और जो पल पल की अपडेट खुद ले रही है। इसके अलावा बात करें जो तमाम अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया, जो एलआईयू है, चाहे लोकल एलआईयू हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, सब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसमें एक्टिव हैं, क्योंकि मामला बड़ा है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री खुद होंगे, भारी भीड़ होगी, ऐसे में किसी भी तरह की कोई चूक ना हुई। साथ ही साथ जो भारी संख्या में पीएससी बल भी लगाया गया है, और जो इकाना स्टेडियम है उसके 1 किलोमीटर के क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, वहां पर किसी का आम जन लोगों का आना जाना मुमकिन नहीं होगा। जो लोग भी होंगे, तमाम जो वीवीआईपी पास बने या फिर पास के, उसी के बाद ही जा पाएंगे। सुरक्षा को लेकर के बात करें तो 4 लेयर में सुरक्षा रहेगी। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इकाना स्टेडियम में लगाई गई अब तक की सबसे बड़ी स्क्रीन, इकाना स्टेडियम में 8040 की एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी है। स्वतंत्र देव सिंह ने शपथ ग्रहण समारोह स्थल का निरीक्षण किया। गोविंद नारायण शुक्ल, जेपीएस राठौर, अश्विनी त्यागी, अमरपाल मौर्य भी इस दौरान मौजूद रहे। तो शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की जो पूरी तैयारी है वो कर ली गई है। स्वतंत्र देव सिंह ने शपथ ग्रहण समारोह स्थल का निरीक्षण किया। अश्विनी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी,
इकाना स्टेडियम में अब तक की सबसे बड़ी स्क्रीन को लगाया गया है। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की ताकत क्या है, बीजेपी की एकता क्या है और बीजेपी के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये दिखाने की कोशिश कल भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। आप बिल्कुल, अगर बात करें जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उसको दिखाने के लिए, जो क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी तो स्पष्ट लोग देख नहीं पाएंगे, इसके लिए अब तक की सबसे बड़ी स्क्रीन है जो 80x40 की स्क्रीन जिसका एरिया है वो निश्चित तौर पर अब तक की सबसे बड़ी स्क्रीन लगाएगी। इसके अलावा अगर बात करें लखनऊ के तमाम चौराहों पर भी स्क्रीन लगाई जाएंगी जिससे लोग देख सके। शपथ ग्रहण समारोह सबका पहुँचना मुमकिन नहीं है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के तमाम जो जिले हैं वहाँ पर भी स्क्रीन की व्यवस्था की गई है जिससे लोग सीधा जो प्रसारण हो, जो शपथ ग्रहण समारोह हो उसको देख सके। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक भव्य जो है शपथ ग्रहण समारोह कराना चाहती है क्योंकि 2024 का चुनाव है, उससे पहले इतनी बड़ी जीत उत्तर प्रदेश के लिए भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और जिसको लेकर के वो कहीं ना कहीं साफ संदेश देना चाहती है कि हम जश्न भी बनाएंगे, हम मेहनत भी करेंगे, हम सरकार भी बनाएंगे। उसी का ये कल नजारा देखने को मिलेगा जो इकाना स्टेडियम में होगा। जी बिल्कुल, और ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है अश्विनी। अभी से ही तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं इकाना स्टेडियम और निरीक्षण कर रहे हैं, वो फिलहाल देख रहे हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे यहाँ पर सारे इंतज़ाम किए गए हैं। साथ ही 12 ब्लॉक में, क्योंकि इकाना स्टेडियम को डिवाइड किया गया है, हर ब्लॉक पर बड़े बड़े अधिकारी तैनात रहेंगे, यानी कि कोई चूक नहीं होगी और इसके लिए पहले निर्देश दे दिया गया है। हाँ बिल्कुल, कल तमाम जो नेतागण थे वो पहुंचे थे। स्वतंत्र देव सिंह जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, गोविंद नारायण जो हैं वो यहाँ के प्रदेश महामंत्री हैं, जेपीएस राठौर थे, तमाम लोगों ने निरीक्षण किया। और पिछले 5 दिनों की बात करें, 5 दिनों चाहे आला अधिकारी हों चाहे बड़े नेता हों, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रह जाए, क्योंकि दूसरी बार शपथ मुख्यमंत्री ले रहे हैं तो ऐसे में पल पल की जानकारी, छोटी छोटी जानकारी नेतागण जुटा रहे हैं, अधिकारी जुटा रहे हैं। एक तरीके से कहें जो जिला प्रशासन लखनऊ का है उसने डेरा जमा लिया इकाना स्टेडियम में, चाहे डीएम हो चाहे नगर आयुक्त हैं, 24 घंटे में से 10 से 12 घंटे वहीं पर दे रहे हैं क्योंकि छोटी छोटी चीजों को की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रह जाए। जो ब्लॉक्स बनाए गए हैं 12 ब्लॉक की जो आपने बात की उनको लेकर के काफी सेंसिटिव चीजें हैं, वहां पर लोग इधर से उधर ना जा पाए, जो जहां पर जिसकी जगह बनाई गई है वहीं पर बैठे हैं। निश्चित तौर पर बात करें अगर लखनऊ में, कल से ही तमाम जो विधायक हैं उनको आने का सिलसिला शुरू हो गया, एक प्रश्न नोट भी जारी हुआ था जिसमें विधायकों को कल शाम तक आने के लिए कहा गया था और लगभग सभी विधायक इस समय लखनऊ में मौजूद हैं। तमाम विधायक भी वहां पर जा रहे हैं और जायजा ले रहे हैं। निश्चित तौर पर किसी हर हालत में इस समारोह को भव्य बनाना भाजपा का लक्ष्य है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अश्विनी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लखनऊ में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है। विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव भी होगा। शाम 4 बजे लोकभवन में विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में पर्यवेक्षक अमित शाह मौजूद रहेंगे, तो विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और इसके साथ ही बता दें कि 4 बजे लोकभवन में विधायक दल की बैठक होगी। रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगी डॉक्टर तंजीन फातिमा। आजम खान ने 3 दिन पहले लोकसभा से इस्तीफा दिया था। डॉक्टर तंजीन फातिमा आजम खान की पत्नी है और वो लड़ेंगी लोकसभा उपचुनाव। तंजीन फातिमा लड़ेंगी, आजम खान ने 3 दिन पहले लोकसभा से इस्तीफा दिया था और अब उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी। डॉक्टर तंजीन फातिमा आजम खान की पत्नी है जो लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।